बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। 12:08 हो गए, वैसे तकरीबन 1 घंटा पहले जेके न्यूज पॉइंट पर, गुलिस्तान न्यूज पर, JK247 न्यूज पर ये खबर आप तक पहुंच ही चुकी है जो वादी कश्मीर से, जम्मू से, लद्दाख से, मुल्क के बाकी हिस्सों से हमें ज्वाइन कर रहे थे कि बैक टू बैक अटैक्स हुए, हमले हुए कश्मीर के अंदर, और इन हमलों में जानी नुकसान की इतलात मौसूल हुई। और थोड़ा हमने इंतजार किया तो इसमें मजीद कन्फर्मेशन हुई पुलिस अथॉरिटीज की जानिब से। जितने साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को जरा शेयर कर दें, इतनी देर रात आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, एक नहीं हजारों मरतबा आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, शायद वो भी कम होगा। मैक्सिमम एरिया से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। 16 से 20 लोग हैं, एक एक क्लिक करें, कोई पैसा आपको नहीं लगता, ना कोई पैसा मांगता है, सिर्फ साथ देने के लिए, इस तआवुन के लिए बहुत शुक्रिया। और वीडियो शेयर कर दें। दो खबरें हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर। कल यानी पीर को पोलिंग होने जा रही है, मंडे को सुबह 7 बजे वोटिंग होगी। उससे पहले साउथ कश्मीर के अंदर दुश्मनों ने पूरे इलाके को या कश्मीर सूबे को दहलाने की कोशिश की है, जिसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक एक साबिक सरपंच और एक पार्टी से वाबस्ता एक शख्स की जान चली गई है, नंबर वन। नंबर टू, दो मेहमानों पर भी हमला हुआ है, टूरिस्ट थे, दोनों पर अटैक हुआ है। पहले 3 की इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन जो पुलिस अथॉरिटीज कन्फर्म कर रही है कि 2 लोगों पर अटैक हुआ और इन 2 में से मियां बीवी या जो कपल था वो जख्मी हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों फिलहाल जख्मी हालत में है लेकिन स्टेबल हैं, इस तरह की डिटेल्स हैं। एक कंफर्मेशन जो हमारी जानकारी के मुताबिक जो पुलिस ने भी अब कंफर्म कर दिया है, एजाज अहमद शेख जो सरपंच थे हीरपुरा शोपियां से साउथ कश्मीर से, और 9 जनवरी के बाद चूंकि सरपंच नहीं थे लेकिन बीजेपी के साथ चूंकि वाबस्ता थे तो काफी एक्टिव रहे और आज भी एक्टिव थे, तो बीजेपी से वाबस्तगी, और साबिक सरपंच एजाज अहमद शेख जिनका इंतकाल हो चुका है, जिनकी जान ली गई, इनके जिस्म पर इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक जो तस्वीरें हम तक मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ कॉपीराइट्स के मामलात हैं, 10 गोलियां तकरीबन मारी गई हैं, एक अटैक इन पर हुआ है और इनकी जान मौके पर ही चली गई है। हमने जो अपने सोर्स से पता किया तो उसमें पता चला कि घर से बाहर इनको नामालूम मुसल्ला अफराद की जानिब से बुलाया गया, शायद इन्हें लगा होगा बातचीत के लिए या कैंपेन चल रही है, शायद इस तरह की कोई बात है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि घर से बाहर जाना इनका आखिरी कदम घर के बाहर इनके जिंदा होते हुए होगा, वापस नहीं लौटेंगे। घर वालों के सामने कत्ल किया गया इनको थोड़ी देर पहले, अब कंफर्मेशन ऑफिशियली 20 की हो गई है। एक अटैक हीरपुरा शोपियां के अंदर और दूसरा अटैक जो है वो टूरिस्ट पर हुआ, जो सयाह थे, जो मेहमान थे, जो पर्यटक थे। फरहा नाम की एक खातून है, एक महिला है, जयपुर राजस्थान से जम्मू कश्मीर आई थी, साउथ कश्मीर में थी अपने हस्बैंड के साथ, तबरेज इनके हस्बैंड का नाम है, यनर अनंतनाग के अंदर यानी साउथ कश्मीर के अंदर इन पर अटैक हुआ है, ये भी जख्मी है। और ये वाला जो राइट साइड वाला पीछे वाला एरिया है, यहां पर जो सना है, माफ कीजिएगा फरा है, उसको गोली लगी है और उसके हस्बैंड को एक आंख पर और एक एब्डोमेन के करीब गोली लगी है, लेकिन वो फिलहाल जख्मी हालत में, दोनों GMC अनंतनाग में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अनंतनाग में, दोनों फिलहाल स्टेबल हैं। एक की मौत की तस्दीक हो रही थी लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, तो हवा हवा में बातें करने की कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। बीजेपी के एक्स सरपंच एजाज अहमद शेख जिनका ताल्लुक शोपियां से था और वजीर आजम से मुलाकातें, दिल्ली में काफी मीटिंग्स, ये सारा सिलसिला हमने देखा था, तो वीडियोस भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, काफी चर्चित रहते और कहते कि मैं 10th में था, हमें 500-500 रुपए दिया जाता था, हम पत्थर मारते थे, और उस वीडियो को काफी पसंद भी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर किया गया था। उनने कहा कि जब से मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, डेवलपमेंट हुई आर्टिकल 370 के बाद की सूरतयाल को वो डिफेंड कर रहे थे, इसकी वजह से काफी सुर्खियों में रहते थे खासतौर से अपने बयानों की वजह से। लेकिन इधर बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है, PDP सदर महबूबा मुफ्ती जो इसी खत्ते से यानी साउथ कश्मीर से रुकने पार्लियामेंट बन सकती हैं अगर जीती, मैदान में है PDP की तरफ से, उन्होंने इस हमले की मजम्मत की है। गुलाम हसन मीर जो टंगमर्ग से हैं, सीनियर लीडर हैं, साबिक वजीर हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के रहे हैं, अपनी पार्टी के साथ इनकी वाबस्ती, उमर अब्दुल्ला, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनील, उन तमाम लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और सलामती सूरत हाल बेहतर नहीं है, इसके लिए फिर से मरकजी हुकूमत को हनफे तनकीद बनाया है। ये फरहा है जिनका ताल्लुक राजस्थान से है, इनको गोली मारी गई, करीब से इन पर अटैक हुआ है और अफरा तफरी में ये बच्चे, इनके जो हस्बैंड है तबरेज वो भी इनके साथ थे, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब आज ही कश्मीर के अंदर Singham 3 की भी शूटिंग हो रही है, तो ये सारी चीजें दुश्मन को पसंद नहीं आ रही है, जो हकीकत है। अब हमले के पीछे लोकल्स थे या फॉरेनर्स थे,
लोकल मिलिटेंट्स थे या फॉरेन मिलिटेंट्स थे, इसकी भी तस्दीक पुलिस चूंकि तहकीकात साथ साथ शुरू कर देगी। फिलहाल एरिया कॉर्डन ऑफ है, इनिशियली ये कोशिश है कि हमलावरों को तलाश करके उनको ठिकाने लगाया जाए। ये एजाज अहमद शेख है, ये एजाज अहमद शेख है जिनकी जान ली गई है। और बदकिस्मती से एजाज शेख जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रहे, काफी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स अब तक बीजेपी की तरफ से और काफी एक्टिव थे, डेमोक्रेटिक सेटअप में बड़ा यकीन रखने वाले थे। पुलिस ने जो कंफर्मेशन की वो भी मैं आपको शायद आपको उल्टा नजर आएगा, लेकिन एक बार देख ले, ये आपको उल्टा नजर आएगा तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ इसराइल की लैंग्वेज है। तो यानार के अंदर तबरेज और उनकी अहलिया फराह को गोली मारी गई अनंतनाग के अंदर। फिलहाल दे हैव बीन इवैक्यूएटेड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अभी जो जानकारी मुझे मिली कि वो जीएमसी अनंतनाग में है और बाकी शहरी भी हैं। इंटरनेट कनेक्शन काफी स्लो है, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग एरिया से आप हमें ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से। थैंक यू सो मच, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नहीं दिल से हजारों मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 12:30 के आसपास कई लोग सोचते हैं कि फालतू में पता नहीं बकवास हो रही है, क्यों कौन करेगा। अभी जो जानकारी है हमारे पास, जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन पहुंची, हालांकि न्यूज पॉइंट पर पहले हमारे साथियों ने, प्रियंका ने और राही साहब ने खबर ब्रेक कर दी थी, लेकिन मजीद तफसीलात का मैं इंतजार कर रहा था। इनिशियल जो डिटेल्स थी वो आपके सामने उन्होंने रखी, फिर जो उसके बाद डिटेल्स आए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आपको कोई खबर पसंद आती है, तब भी ना भी पसंद आए, तब भी अपने आरा से हमें जरूर आगाह करें, अपना ओपिनियन अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल हम लोग की मजम्मत का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अल्लाह करे कि मजम्मत की हमें जरूरत ना पड़े, अमन कानून अच्छा रहे, अमन से शांति से बेहतरीन माहौल में लोग रहें। और जैसे श्रीनगर के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 13 को निकले, इस बुलेट का याद रखिएगा, बैलेट से जवाब देना है। सिर्फ बीच में यही जो 22-24 घंटे बचे हैं, उसके बाद नॉर्थ कश्मीर से लोग बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद साउथ कश्मीर से लोग बाहर निकलेंगे, तो वोट डालकर ऐसी ताकतों को जवाब दीजिएगा जो जमहूरी तर्ज अमल में यकीन नहीं रखती। और खून खराबा होता रहे इसके लिए इन तमाम लोगों की तरफ से कोशिशें और जो बयान आते हैं वो आते रहते हैं, जिनकी कोशिशें जारी हैं। अल्लाह करे कि तमाम कश्मीरी, तमाम जम्मू के लोग जिन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ खून खराबा देखा है, वो अमन सुकून से रहे, शांति से रहे। जो माएँ, जो औरतें, जो खवातीन बेवाएं हुई, बच्चे यतीम हुए, मजीद इस तरह का साया उनके सरों पर ना मंडलाए। और अल्लाह करे कि हमें वैसी सूरत हाल में इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान फिर से धकेलने की कोशिश ये हम सब ना देखें। तो कोशिश करें कि अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको, मुतासरीन को, लोगों को जिनके अपने इस वक्त इस दुनिया से चले गए हैं, जो बीमार हैं, जख्मी हैं, वो सब ठीक हो जाएं, उनके लिए भी दुआ करें। और साथ साथ हम हमारी खबरें पसंद है तो अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें, ना भी पसंद तब भी वेलकम, पसंद तब भी वेलकम। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर कर दें, एक एक जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। जरूर मैं सुबह जब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी, तो आपके कमेंट्स भी एक एक करके मैं जरूर पढ़ूंगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पुलिस ने जो कंफर्मेशन की दोनों हमलों की, मैंने आपके सामने रखी हैं, तस्वीरें रखी हैं। सफे मातम इस वक्त न सिर्फ हमले साउथ कश्मीर के अंदर हुए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बिछ गई है। थैंक यू।